एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो नेक्स्ट शॉर्ट वर्ल्ड। तो करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, लेके माता रानी का नाम, जय माता दी। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हमारे कॉलेज का जा रहा है इंडस्ट्रियल ट्रिप रियासी में, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो बस निकल रहे हैं अभी, रिहाड़ी से अजन भाई आ रहे हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। अजन भाई आ चुके हैं भाई, क्या हाल है? एक्सेटेड हो विजिट के लिए? भाई लेट करा दिया बंदे ने। हम रास्ते में रुके हैं डंसर बाबा, तो अभी यहाँ पर चलेंगे, अंदर दर्शन वगैरह करते हैं, फिर कुछ अभी तक गाइस व्यू चेकआउट करो, पीछे एकदम लाजवाब व्यू है। तो अभी बस कुछ हल्का ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर दिखाते हैं आगे। फोन तो दो सर, मेरा फोन तो दो, थोड़ी देर में व्यू चेकआउट करो। हाँ ई अरे साहब, गए यहाँ पर पहुंच गए हम, और काफी सारी पौड़ियां के बाद, और ये गए मेरे को अपने बचपन का टाइम याद आ गया, न्यू पब्लिक स्कूल के साथ बचपन में यहाँ पर पिकनिक आया करते थे। अभी तो ये बंद हो गया, नहीं आगे से खुला है, और यहाँ से ना हम ऊपर से वहाँ ऊपर से शुरू किया करते थे, और स्लाइड करते करते यहाँ से हम जाते थे। काफी मजा आता था, वो न्यू पब्लिक की यादें काफी हैं, और काफी यहाँ पे हमारा पिकनिक मतलब यहीं था, सोलह पार चार बाबा डंसू बाबा, यहाँ पर मतलब हर तीन तीन चार चार महीने में आया करते थे। काफी हमारे लिए मेमोरेबल प्लेस है। चलो गाइस, यहाँ पर दंसल बाबा अंदर मंदिर आ गए थे, और यहाँ का गाइस व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा है, काफी मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे आके, कनेक्टिव बंदे भी पॉजिटिव हो गए यहाँ पे आके। बाकी मंदिर देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया वाइब्स आ रही है यहाँ की। आई होप अब आप क्वालिटी की कंप्लेन नहीं करोगे। तो देखा देखी मैं अमृतुल भाई मथा देख रहे हैं यहाँ पे। सो चलते हैं अंदर, गुफा है देख सकते हो, हमारे हिंदू ग्रंथों में इन गुफाओं की काफी महानता है, और हमारे हिंदू इन बातों को मानते भी हैं बहुत ज्यादा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज इंडस्ट्री विजिट के बहाने यहाँ के भी दर्शनों के। सो यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे आगे, अब से जो जिस काम से हम कॉलेज से निकले हैं वो काम भी करना ही है,
मतलब उसके लिए हम लोग पॉजिटिव बाइक के साथ आ रहे हैं, माता रानी की आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं नेचर की लाजवाब ब्यूटी को। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ व्यू के बारे में, जितना कहे ना उतना कम है हमारे पास, टाइम का थोड़ा कम है टाइम थोड़ा हमारे पास, नहीं तो हम यहाँ पे काफ़ी देर रुकते। और जो ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और सामने आप झरना देखते हो कितना प्यारा झरना है, और ये जो मतलब पहाड़ी से पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके बहुत प्यारा लग रहा है, काफ़ी मतलब मैसमराइजिंग व्यू आ रहा है दिल को, काफ़ी मतलब यहाँ पे ना प्रसन्नता फील हो रही है। तो इन्जॉय कर रहे हैं सजन भाई।